हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल्स कुकिंग पॉइंट। फेस्टिव सीजन चल रहा है तो आज मैं बना रही हूँ काजू कतली। काजू कतली ऐसी मिठाई है जो छोटे बड़े सबको पसंद आती है, तो इसे आज घर पे आसानी से कैसे बनाया जाता है आइए बनाना शुरू करते हैं। काजू कतली बनाने के लिए मैंने लिया काजू, 250 ग्राम काजू लिया है, 1 कप चीनी है, लगभग 150 ग्राम चीनी है, 2 चम्मच घी, 1 पिंच इलायची पाउडर और चाशनी बनाने के लिए 1/2 कप पानी। सबसे पहले काजू का हम पाउडर बनाएंगे। थोड़ा चलाएंगे, फिर बंद करेंगे, चलाएंगे, एक साथ नहीं चलाना, नहीं तो काजू का तेल निकलने लगेगा। बहुत देर तक काजू को नहीं पीसना है। इस तरह का पाउडर हमें बनाना है। अब इस पाउडर को हम छलनी से छान लेंगे। अब ये जो काजू के टुकड़े बच गए हैं इसको फिर से हम मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। सारा काजू पाउडर मैंने अच्छे से छान लिया है। अब काजू कतली बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे चीनी 1 कप, उसी कप से डालेंगे 1/2 कप पानी। गैस की फ्लेम ऑन करके चीनी को पानी में घुलने तक पकाएंगे। चीनी अच्छे से घुल गई है, इसको 3-4 मिनट हम पका लेंगे। 1-2 उबाल आने तक। चाशनी में अच्छे से उबाल आ गई है और ये चीनी भी पानी में घुल गई है। अब हम इसमें डालते हैं काजू का पाउडर। गैस की फ्लेम लो कर देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा काजू पाउडर डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। चाशनी और काजू पाउडर को अच्छे से मिला के इसे तब तक पकाना है जब तक ये जमने लायक ना हो जाए। इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे, चिपकना नहीं चाहिए, नहीं तो काजू कतली अच्छी नहीं बनेगी। गैस की फ्लेम स्लो ही रखेंगे। अब इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, बिल्कुल 1 चुटकी। और 1 चम्मच घी। इसे चेक करने के लिए एक प्लेट पे थोड़ा सा निकाल देंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये जो काजू पेस्ट हमने निकाला था, अगर ये ऐसे गोल होने लगे तो समझ लीजिए काजू कतली बनने के लिए तैयार हो गया पेस्ट। अब गैस की फ्लेम बंद करके इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो ये नीचे से पकड़ने ना लगे। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और निकाल के इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, जल्दी से ठंडा हो जाए। प्लेट में मैंने पहले से घी लगा रखा है, इसको
इसको चलाते हुए ठंडा करेंगे। इसमें पपड़ी नहीं जमनी चाहिए, क्योंकि अगर पपड़ी जम गई तो काजू कतली अच्छी नहीं बनेगी। इसको चलाते हुए हर 30 या 20 सेकंड पे इसे चलाते रहेंगे। हम एक चकले पे लगाएंगे बटर पेपर, इस पर लगा देंगे थोड़ा सा घी। इसे बटर पेपर पे रख के अच्छे से ऐसे अच्छे से ऐसे करके ऊपर से बटर पेपर रख के इसे अच्छे से रोल कर देंगे। आप जितना मोटा पतला बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इसको सब तरफ से बराबर रोल कर लेंगे। सब से एक बराबर रोल कर लेंगे। इसे अच्छे से रोल कर लिया है, इस पर ऊपर से लगा देंगे चांदी वर्क। अब इस पर सिल्वर वर्क लग गया, अब इसका कट का निशान लगा देते हैं। इस दिवाली आप भी काजू कतली घर पे बनाइए। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। ये कितनी अच्छी काजू कतली बनी है, आप भी ज़रूर रेसिपी ट्राई करिए।